भरत, आज आप सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है उसको लेकर के आज आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, देखिए हर किसी को यहाँ पर मुंब्रा में पता है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज हम लोगों को 13 साल बाद मिला है, और अगर इतना सब्र करने के बाद आज हमको एक हॉस्पिटल नसीब हुआ है, उसमें भी यहाँ के एमएलए जो जितने नवाड़ है वो बोलते हैं कि हम इसको प्राइवेट कर देंगे। तो आप बस हुआ कितना कमाना चाह रहे हो? आपने बिजली ला के निजीकरण कर दिया, बिजली में टोरेंट पावर लाकर लोग परेशान है, ये समझिए। आज ये हॉस्पिटल, मैं ये कहूँगी कि ये हॉस्पिटल जो है गरीबों का है, हमारे टैक्स के पैसों की ज़मीन है, और हमने टैक्स दे के ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा हॉस्पिटल जो है ये बनाया हुआ है। तो हमारे टैक्स के पैसों से बना हुए हॉस्पिटल को हम क्यों किसी और को जो है दें? तो हम यहाँ पर इसीलिए बैठे हुए हैं कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमको बहुत सालों बाद मिला है, इसको हम प्राइवेट नहीं होने देंगे। जिस तरीके से टोरेंट पावर आने के बाद हर घर परेशान है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे अब जो है वो ये हॉस्पिटल को प्राइवेट नहीं होने देंगे, क्योंकि अगेन फिर हम लोग परेशानी में आएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, इन लोगों को लगता है कि भाई टोरेंट कंपनी आ गई, कोई मुंब्रा वाले जो है वो सड़क पर उतरे नहीं, और उनको लगता है कि लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अब हॉस्पिटल भी बेच दो, किसको क्या खबर होगी। लेकिन नहीं, हम लोगों को जो है ये अवेयरनेस, हम लोगों ने पिछले 10-15 दिन से लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग जो है वो भूख हड़ताल पे यहाँ पर बैठे, और ये जो भूख हड़ताल है वो बेमुद्दत रहेगी, यानी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इस भूख हड़ताल से नहीं उठने वाले हैं। भरत, एक जगह टोरेंट को लेकर के MIM पार्टी जो है धरना आंदोलन कर रही है, भूख हड़ताल कर रही है, और दूसरी तरफ जो है आप हॉस्पिटल को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठी हैं। ये दोनों मुद्दों को अलग अलग सीधा से क्यों किया गया है? एक साथ आपने जब समर्थन दे दिया था तो टोरेंट को पहले खत्म होने देते, फिर हॉस्पिटल के लिए भी आप लोग बैठते नहीं, ऐसी समर्थन लेके? नहीं नहीं, कैसा है, हम लोग सबसे पहले बात मैं बता दूं आपको कि हम लोगों को किसी ने कहा नहीं था कि आप आए। हमें हमारे शहर के मुद्दे के लिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम अगर कोई भी हमारे शहर के मुद्दे के लिए अगर कोई भी खड़ा हो तो मैं ये नहीं देखूंगी कि वो कौन खड़ा है, लेकिन उसके साथ खड़े रहना मेरा फ़र्ज़ है वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर इसीलिए गई थी। और दूसरी बात, हमने सबसे पहले अनाउंस कर दिया था, 1 फरवरी को हमने अनाउंस कर चुके थे कि भाई हम लोग जो है वो भूख हड़ताल करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम लोग ये कैंपेनिंग भी चालू हो चुकी थी, और ये जो प्रोग्राम है उनका सडन है, हमारा जो है वो ऑलरेडी प्लान था कि हम 15 मार्च से ही करने वाले हैं। यहाँ पर मैं यानी यहाँ मुंब्रा की बेटी, आप लोग कहते हो जिसको फरहत शेख, मैं भूख हड़ताल के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने जब तक ताकत दी मैं भूख हड़ताल के लिए बैठूंगी, और उसके बाद अगर अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हमारी मांग अगर तब तक पूरी नहीं हो पाती और मुझे कुछ हो जाता है, तो इसके आगे हमारे जो मुंब्रा के अध्यक्ष है जहांगीर शेख, ये कंटिन्यू करेंगे भूख हड़ताल को। मांग का वो करना है, कौन सी मांग पर ये किया है वो दो बता देती हूँ। इस भूख, दरअसल ये भूख हड़ताल जो है हम दो मांगों पे कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन के लिए जो टेंडर निकला है ये रद्द किया जाए, और ये टेंडर रद्द होने के बाद ये हॉस्पिटल हमको फुल फ्लैज में चालू चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ OPD चालू कर रहे हो, मैटरनिटी चालू है, बाकी सर्विसेज आराम से लेंगे। तो ये दो मांगों के तहत हम लोग आज यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं, और जब तक हमारी भूख हड़ताल की जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ये भूख हड़ताल से हम नहीं उठने वाले हैं। शुक्रिया। आपकी क्या मांगे पूरी करने की बात हुई है, क्या कोई अधिकारी है, उन्हें आपसे बात की है मांगों को लेकर? देखिए, आज हम लोग अभी 2 बजे यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हमने हर जगह पे जो है वो लेटर दे चुके हैं, हम कमिश्नर से लेके CM तक हर किसी को पता है, तो इंशाल्लाह जैसे ही वहाँ से रब्ता होगा हम लोग आप लोगों को अपडेट देंगे इस बात की। महाराष्ट्र स्टेट कमेटी की तरफ से ये जो मुंब्रा वासियों की जो सही और लेजिटिमेट मांग है, जिसके लिए हमारी फरज शेख मुस्लिम लीग की तरफ से जो जंग लड़ रही है उसका सपोर्ट में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उसका ऑफिशियल मैं ही आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस नाम से जो है उसका शुरुआत करता हूँ। और मुंब्रा पर जो है बहुत सारी इश्यूज़ है, बेसिक एमिनिटीज़ की इश्यूज़ है, बहुत सारी इश्यूज़ है, और मुस्लिम लीग अब जो है यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है, और वो सभी इश्यूज़, एक सबसे बड़ा एक दो मुद्दा है जो टोरेंट और हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल अब ये जो सरकार हर जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ को बेच के पैसा बना रहा है, पूरे जो है गवर्नमेंट के जितने भी जो है सिटीज़न के लिए जो भी सुविधा है सब ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो एक चीज़ यहाँ पर भी चल रहा है। अगर
ये अगर किसी के हाथ में छिले भी जाता है उसका बावजूद उसके बाद भी जो है मुस्लिम लीग इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एक जो बिलो पॉवर्टी लेन के जो लोग हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना आज के तारीख में मुश्किल है, और उनके लिए एक आसरा जो है सिविल हॉस्पिटल से, उसको इतने साल और इतना फंड ये सब मुहैया करने के बाद में बहुत सारे फंड भी उसमें एक्सेस वो लोग ने इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ के मुमरा वासियों का टैक्स दिया, टैक्स का दिया हुआ फंड है, तब जो है उसको जब मुकम्मल होकर के लोगों तक उसका सुविधा देने का वक्त आया तब ये लोग जो उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। खबरदार रहे, जो भी अगर कोई भी इस अगर टेंडर भर करके लेना भी चाहता है, कोई भी लिया तो भी जो है इस हालत में मुस्लिम लीग स्कूल चलाने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, लोगों के साथ में बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। अब मुस्लिम लीग यहाँ पर जैसा ऐसा मजबूत होएगा, लोगों के ऐसे मसाइल के ऊपर मुस्लिम लीग खड़ा एकदम उतरेंगे और जो है लोगों के काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। बहुत सारे इशूज़ है, जैसे एजुकेशन सबसे बड़ा इशू है, खास करके माइनॉरिटी मुसलमानों के बीच में 9th या 10th पर जो है ड्रॉप हो जाता है, और उससे बहुत सारे इश्यूज़ है। हर इश्यूज़ के ऊपर अभी हम लोग जो है चेन्नई में हमारे 75वां साल का प्लैटिनम जुबली प्रोग्राम 3 दिन कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हुआ है, नए जोश और खरोश के साथ में जो है एक मशाल दिल में लेके आया हुआ है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा हिंदी बेल्ट में जो मुस्लिम लीग को मजबूत करने का तैयारी है हमारी। इसलिए पूरी तरीके से नेशनल कमेटी की पूरे गाइडलाइंस में जो तर्ज पर केरला में काम चल रहा है और तमिलनाडु में काम चल रहा है, उस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीग को बढ़ाया जाएगा, ग्रास रूट लेवल में काम किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर खास करके हिम्मत अफजाई के लिए और सपोर्ट के लिए और ऑफिशियली तौर पर यह प्रोग्राम को इफ्तिताह करने के हिसाब से मैं आया हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।